अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। हम लोगों ने लास्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ दोबारा से मैं हाजिर खिदमत हूँ। हमने एक लास्ट वीक एक जो है ना वो स्टार्ट किया था पेंट बाय नंबर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट। हम लोगों ने जस्ट, अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम लोगों ने जस्ट एक फ्लावर बनाया था विच वॉज़ लाइक ये बनाया था, और हमने ये फ्लावर बना के स्टार्ट लिया था, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई पेंट बाय नंबर। हम लोग आज ये एरिया कवर करेंगे, उसके सर का ताज हम लोग बनाएंगे, एंड बाकी की जो है ना जो डेकोरेशंस हैं हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। जब अगर आप लोग गौर से देखो तो इसमें जो है वो 5, 6, 7, जैसे कि हम लोगों ने उस दिन ये बनाया था 5, 6, 7 से, इसी तरह ये भी है 5, 6, 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 5, 6, और 7 की जो है ना वो हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास इसके बीड्स हैं, तो इसमें से हमने निकालना है 5, 6 एंड 7। मैंने अभी चीज़ें अपनी ऑर्डर करनी शुरू कर दी हैं, एंड जल्दी आ जाएंगी, आप देख सकते हैं। ओके, ये आपके पास ट्रे होंगे अवेलेबल हमेशा, ठीक है। जब भी आप न्यू ऑर्डर करते हैं आपके पास एक ट्रे एक पेन आ जाता है। सो मैंने अभी तक 3 ऑर्डर किए हैं, तो आई डू हैव अ 3 ट्रेज, ठीक है। जैसे जैसे मैं ऑर्डर करूँगी साथ साथ मुझे और भी ट्रेज मिलते जाएंगे। एंड मैं इसमें एक में डाल रही हूँ सेवन, थोड़े से डालूंगी बिकॉज 7 का इतना काम नहीं है जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था। लेकिन मैं जो है ना वो इसके सामने ये रखूंगी ताकि ये देख सकते हो आप लोग, ये 7 है, ठीक है। मैं ये 7 को 7 के आगे ही रखती हूँ ताकि जब मुझे उठाना पड़े तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। देन अगेन दैट इज़ 6, ठीक है। और ये मैं ट्रे में 6 डाल रही हूँ, थोड़े से और। इसको जब हम ऐसे करते हैं ना तो बिल्कुल ये सीधे हो जाते हैं। ओके, द लास्ट ट्रे इज़ 5, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये बिल्कुल वाइट कलर का है, अगर आप लोग देख सकते हो तो बिल्कुल वाइट है। 5, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने 5 से स्टार्ट लेना है। ये हमारे 3 पेन्स हैं, क्योंकि मैंने आपको एज़ यूजुअल बताया कि मैंने चूँकि 3 मंगवाए हैं तो मेरे पास ये चीज़ें 3 ही आई हैं, ठीक है। इनका स्टिकी मटेरियल है जिसमें से स्टिक करके मैंने करना है, चूँकि मैं चाहती हूँ, थोड़ा सा ये निकल आया ही, कोई बात नहीं, साइड से निकल आया, असल में ये कुछ ज़्यादा ही कंप्रेस हो चुका था, आप देख सकते हो। ये इस पेन के अंदर ये स्टिकी मटेरियल लगता है ताकि ये इजीली हो सके। दूसरा भी मैं कर देती हूँ, एंड नाउ द थर्ड वन इज ऑल्सो। ओके,
डन, ठीक है। अब हम लोग जो है फाइव फन उठाते हैं, दैट इज़ द फाइव फन, ठीक हो गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू जहाँ जहाँ फाइव हैं मैं वहाँ पे इसको प्लेस कर रही हूँ। वैसे तो फाइव ऑल ओवर द एरिया है, सो आई एम गोइंग टू प्लेस इट ऑल ओवर द एरिया।
और ये हमारा फ्लावर ऑलमोस्ट जो आउटलाइन है फ्लावर की ये कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए, सो क्यूट। अब इसमें हम सिक्स नंबर ऐड करेंगे। फिफ्थ नंबर को मैं दैट इज द सिक्स्थ वन, सो क्यूट। एंड ये इसके तो देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ये लास्ट वालों को छोड़ के इस सब जगह पे सिक्स्थ लगेगा। अब ये सिक्स कंप्लीट हो चुका है हमारे पास, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द सेवेंथ वन। ठीक है, ये थोड़ा सा सिक्स से डार्क है, ये देखिए। सेवेंथ वन जो है वो बिल्कुल लास्ट में हम पुट करेंगे, ये एरिया। And our flower is complete. Oops. Yay! Our flower is complete. ठीक है, आप लोग देख सकते हो फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है। अब हम लोग इसके मुंह की तरफ आते हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे तीन किस्म के और हैं, टू थ्री फोर यहाँ पे ऐड हुआ है। तो हम लोग जो है वो 2, 3, 4 जो है वो उसमें से निकालेंगे। पहले हम लोग वापस पुट कर देते हैं इसको इसके अपने एरियाज़ में, जो कि हम लोगों ने 5, 6 एंड 7 निकाला था। सो क्यूट। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो कर रही हूँ वो लोगों तक पहुँच सकें। मुझे ज़्यादा बातें करनी नहीं आती हैं, सीधी बात है, बट मुझे काम करना ज़्यादा पसंद है, सो मैं काम करती हूँ। नाउ अब हम इसमें से 2, 3, 4 निकालेंगे, विच इज़ 2, वाओ, एंड 3 एंड 4। इसको वापस हम अपनी जगह पे रख देते हैं। ये बॉक्स ऑर्डर किया है, वो अनकरीब आ जाएगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर माई बॉक्स, माई डायमंड बॉक्सेस। ये हमने डाला द फोर्थ वन, लुक कितने प्यारे लग रहे हैं, कि चमक कितनी खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हो। दैट इज द फोर्थ वन।
ये हमारे पास थर्ड वन है, ठीक है। Is the second one. अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेकेंड वन। देखते हैं कि ये सेकेंड वन हमें कौन सी दुनिया में लेकर जाता है। ओके, या देख रहे हैं ये पूरी, ये तीन और ये पूरी एक लाइन ये सेकंड वन की है। सो वी हैव टू कंप्लीट दैट लाइन। एंड नाउ आवर सेकेंड लाइन इज ऑलमोस्ट ओप्स कम्प्लीटेड। कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको बस इसको आराम से साइड पे ला के स्टिक कर देना है। ओके, नाउ आवर सेकेंड पोर्शन इज कम्प्लीट, सेकेंड नंबर पोर्शन इज कम्प्लीट। अब हम लोग थर्ड वन की तरफ जाते हैं, विच इज दैट वन। थोड़ा सा लाइट कलर है, और ये आप जैसे कि देख सकते हो ये पूरी लाइन मतलब यहाँ तक, एंड सॉरी इसमें टू वाला ये एरिया है जो कि हमसे मिस हो गया है। हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद थर्ड वाले पे आते हैं। मेरी नज़र ही नहीं पड़ी, मैंने देखा ही नहीं, सॉरी फॉर दैट। ओके, ठीक है, ये हमारी सेकंड नंबर लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग थर्ड की तरफ जाते हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड, दैट इज द थर्ड वन।
सो द थर्ड वन इज़ आल्सो कंप्लीटेड. अब हम लोग फोर्थ वन को कवर करते हैं, दैट इज़ द फोर्थ वन. इससे थोड़ा सा और लाइट है, थोड़ा सा और लाइट हो गया. पहले हम लोगों ने डार्क वन कवर किया और अब हम लोग लाइट वन कवर कर रहे हैं. इस पेज पे मैं नॉवल रीडिंग भी स्टार्ट लूँगी जल्दी, जस्ट योर सपोर्ट इज़ नीडेड. क्योंकि मुझे जब पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, सो आई एम गोना स्टार्ट वन बाय वन थिंग्स. आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा नॉवल्स, मैं फिर उस हिसाब से रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी. Beautiful. Now, आप लोग देख सकते हो प्यारा लग रहा है. अच्छा, अब हम लोग जो है ना इस बटरफ्लाई को कवर करेंगे. एंड बटरफ्लाई को कवर करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो बटरफ्लाई के कलर का है वो हमारे पास 8th नंबर है. सो हम लोग ओपन करेंगे 8 नंबर को, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सबको इनकी अपनी अपनी जगहों पे पहुंचाएंगे. द 3-1, सो पुट इट इन 3-1. चिपको हो गए. Now the fourth one, the lightest one.
द सेकेंड वन। ओके, तो हमने अब इसमें से क्या निकालना है, एट निकालना है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये एट। तो हम इसको वापस लेकर आते हैं। Amazing. अनफॉर्चुनेटली मेरी स्टिकी गम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। नो आई एम गोइंग टू टेक मोर बिकॉज़ ये चिपक नहीं रहा। जैसे चिपके ना ना, आप लोग फौरन फौरन इसको चेंज कर लें, इसके ऊपर न्यू अप्लाई कर दें, क्योंकि फिर ये डायमंड जो हैं ये फिर स्टिक नहीं होते हैं। ठीक है, जो सीध है बिल्कुल उसी सीध पे लगाने हैं और मैं उसी तरह लगा रही हूँ। इस साइड के भी बटरफ्लाई को कवर कर लेते हैं। लुक्स प्रिटी ना। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एंड मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए कि आप लोगों को ये देखकर कैसा लग रहा है। थैंक यू।